लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ और अपडेट्स पाने के लिए क्रिकेट फॉर एशिया को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फॉर एशिया। दोस्त, आज बात करेंगे इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन माइकल वॉन और अफगानिस्तान के फॉर्मर कैप्टन असगर अफगान के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा कि इंग्लैंड के पुराने कैप्टन यानी माइकल वॉन ने असगर अफगान, जो अफगानिस्तान टीम के कैप्टन थे, उसके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी उसके बारे में क्या कहा गया है, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि पूरी जानकारी मिले। और दोस्तों, अगर आप अफगानिस्तान क्रिकेट के असली फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, अगर बात करें असगर अफगान के बारे में, जिस तरह आप जानते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप से पहले यानी 2019 वर्ल्ड कप से पहले असगर अफगान को अपने कैप्टनसी से हटा लिया, जिस पर कई प्लेयरों ने कई रिएक्शन आए, यानी अफगानिस्तान के कई स्टार ने इस पर रिएक्शन किए, जिस तरह राशिद खान मोहम्मद नबी ने इस पर बात की। इस तरह दोस्तों, इंग्लैंड के एक फॉर्मर कैप्टन माइकल वॉन, जिससे पूछा गया कि आप इस फैसले को किस तरह मानते हो कि अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले कैप्टन बदलना जायज़ था या जायज़ नहीं था, माइकल वॉन दोस्तों, जो यकीनन एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो एक बहुत बड़े मैचों में कमेंट्री करते, दोस्तों उसने कहा कि असगर अफगान का पूरा हक था कि उसको वर्ल्ड कप तक खेलाना चाहिए था, यानी एज अ कैप्टन। दोस्तों, उसने ये भी कहा कि असगर अफगान ने अफगानिस्तान टीम के लिए बहुत मैचेस जीते हैं, यानी अगर मैचिंग परफॉर्मेंस देखा जाए असगर अफगान की कैप्टेंसी में तो अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा मैचेस जीते हैं असगर अफगान की कैप्टेंसी में। दोस्तों, इस तरह ये भी कहा कि असगर अफगान ने 4 साल से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टेंसी निभाई है, यानी उसको बहुत एक्सपीरियंस हासिल है। वर्ल्ड कप तक असगर अफगान को एज अ कैप्टन बनाना चाहिए अगर अफगानिस्तान टीम को मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, माइकल वॉन ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी टीम है, यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इस तरह और पाकिस्तान, इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है, यानी उसको शिकस्त देना एक बहुत मुश्किल काम होता है और उसके लिए एक बहुत अच्छे कैप्टन की ज़रूरत होती है, यानी एक्सपीरियंस कैप्टन की ज़रूरत होती है। इसने फरमाया कि असगर अफगान को वापस अफगानिस्तान टीम में लाना चाहिए एज अ कैप्टन, यानी कैप्टन बनाना चाहिए। दोस्तों, आप इस फैसले को किस तरह मानते हैं? आप माइकल वॉन के साथ हैं? दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए पहुँचा दें। खुदा हाफिज़।